गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साहू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक नंबर ओपन हुआ 1992 में 524, और उस दूसरी बार दोस्तों ये सेम नंबर 2012 में ओपन हुआ 524। तो देखें दोस्तों, ये टू टाइम अभी सेकंड दोस्तों वो शॉर्ट है, सेकंड सिस्टम है, लेकिन मैं भी मुझे स्ट्रॉन्ग लगा तो मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर दूं इसको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों है। इसका बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इसमें इक्वल हैं। तो फर्स्ट मैं ये दिखा देता हूँ, ये एक टोटल लगा ज़ीरो का और फर्स्ट पेयर आया डबल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे टोटल फाइव का लगा और फर्स्ट पेयर आया डबल। जब ये ज़ीरो लगा दोस्तों, तो इसका होम क्या है दोस्तों, फाइव। ये तो ये थ्री फोर और एट, तीन टोटल का क्या बना दोस्तों, थ्री प्लस एट प्लस, ये तीन टोटल का फाइव बन गया, ठीक है। इसका होम फाइव। उसके बाद दोस्तों, जब यहाँ ये ज़ीरो लगा था, अब इसका होम फाइव यहाँ पे आ गया, तो ये टोटल क्या बनना चाहिए दोस्तों, ये ज़ीरो भी बनना चाहिए। यानी कि जब ये ज़ीरो बना, सॉरी ये फाइव बना, तो टोटल इसका ऑपोजिट तीन डिजिट का फाइव बना, तो यहाँ पे इसका होम ज़ीरो आया। और जब ये तीन डिजिट का ज़ीरो बना, तो इसका होम फाइव ही टोटल आना था, और फर्स्ट पेयर डबल, ये फर्स्ट पेयर भी डबल। फिर देखें दोस्तों, ये मिडल का ये टोटल और ये टोटल को हम प्लस करेंगे, फोर प्लस ज़ीरो फोर बना, तो इस ड्रा में भी फोर, तो नेक्स्ट ड्रा में भी फोर, गेम में दोनों ड्रा में गेम फोर आया। देखें दोस्तों, ये फाइव प्लस फाइव ज़ीरो, तो ये इस गेम में भी ज़ीरो और नेक्स्ट ड्रा में भी ज़ीरो, गेम में दोनों ड्रा में ज़ीरो आया। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ क्या हुई कि ये एक सेवन लगा एच, ठीक है, सॉरी ऊपर से शुरू करते हैं, ये मैंने गलत कर दी थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। ये सेवन लगा यहाँ पे एच, और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लगा, एच सेवन, ठीक है। तो फिर ये दोस्तों एच यहाँ पे नीचे भी सेवन आ गया, ये आप देख सकते हैं। सिम अभी देखें दोस्तों, उससे पहले भी एक और चीज़ दोस्तों मैं सॉरी भूल गया, ये दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे टोटल सेवन, फर्स्ट पेयर भी सेवन, और ये सेवन इस पेयर के अंदर, ठीक है। ये एच थ्री, तो ये टोटल एट, ये थ्री इस पेयर के अंदर और टोटल एट, तो फर्स्ट पेयर भी एट, लास्ट में ज़ीरो, ठीक है। फिर यही थ्री यहाँ पे जाना था, तो ये थ्री यहाँ पे आ चुका है, और अभी यही यही थ्री वापस रिपीट यहाँ पे आना चाहिए एच में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अभी टोटल की तरफ आ जाते हैं। तो टोटल दोस्तों देखें, ये टोटल आया नाइन का, और इसके जस्ट नीचे टोटल आया फोर का, तो ये नाइन प्लस फोर दोस्तों क्या बना, थ्री। तो टोटल आ गया दोस्तों क्या, थ्री। यानी इन दोनों टोटल को क्रॉस में जो प्लस करना है, तो जो रिज़ल्ट आया वो थ्री बना, और थ्री का ही टोटल लग गया। और ये टोटल इस यहाँ पे दोस्तों टोटल एट का है, तो इसका होम क्या बनता है, थ्री, ठीक है दोस्तों। अभी उसी तरह सिस्टम यहाँ भी दोस्तों चल रहा है, ये टोटल थ्री का और ये नीचे टोटल फाइव का, तो ये थ्री प्लस फाइव क्या बना, एट। तो यहाँ पे टोटल दोस्तों आना चाहिए एट का, ठीक है। फिर ये दोस्तों टोटल थ्री का है, तो इसका होम भी यहाँ पे एट। अच्छा, ये टोटल एट का, तो होम थ्री। तो फिर देखें दोस्तों, ये मिडिल का डिजिट नाइन लास्ट में, और टू का होम सेवन मिडल में, तो सेवन सेवन नाइन। अभी यहाँ पे अगर ये चीज़ आती है, तो या तो फोर
थ्री फोर सिक्स, अगर नाइन इसमें आता है पोजीशन, ये दो दो पोजीशन में आप लगा सकते हैं इसको ये, या फिर सॉरी दोस्तों ये मैंने दोनों होम में ले लिए, एक जो है बहरहाल ये इस तरह भी हो सकता है, ये नाइन वन में से एक का होम आना चाहिए अगर स्वयं तरीके से, क्योंकि इस तरह पे टोटल थ्री का हो जाता है। यहाँ पे अभी हम चलो वन क्या करते हैं, ये थ्री फोर और ये वन हो गया, और अभी अगर थ्री हाँ तो ये थ्री सिक्स नाइन, और ये थ्री एक डिजिट सेम आना चाहिए तभी वो टोटल एट का कंप्लीट करेगा। अच्छा इसमें दोस्तों समझने की बात है कि पहले उसने एट का थ्री किया, अभी थ्री का एट क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों जब ये पहले फाइव बना तो इसका होम यहाँ पे ज़ीरो आया, तो इसी तरह जब उसका ज़ीरो बना तो इसका होम फाइव आया, यानी ओपोजिट सेम डिजिट ओपोजिट हुए तो वो सेम सिस्टम ही, यानी कि ये तीन डिजिट का फाइव बना टोटल ज़ीरो आया, तो फिर ये दो डिजिट का थ्री बना टोटल थ्री आया, फिर अभी ज़ीरो का ऑपोजिट क्या है, यानी कि उसका होम क्या है फाइव, तो ये तीन डिजिट का ज़ीरो बना तो ये उसका होम फाइव टोटल लगा, यानी तीन टोटल का, जैसे अभी मैं ये ऊपर आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं, ये तीन टोटल का फाइव बना तो उसका होम ज़ीरो आया, तो फिर ये दो डिजिट को प्लस करके दो टोटल को तो थ्री बना और ये टोटल थ्री का आया। अभी सेम यहाँ पे भी उसने यही किया है कि ये टोटल तीन डिजिट का टोटल टोटल का ज़ीरो बना तो उसका होम फाइव यहाँ पे आया, तो अभी यहाँ पे दो डिजिट का एट बना तो यहाँ टोटल एट का आना चाहिए। सेम इसी तरह जब यहाँ पे, यानी कि ये देख लें इसको सीक्वेंस इसका देखें बहुत परफेक्ट है कि फाइव तो होम ज़ीरो, अभी ज़ीरो तो होम फाइव, ठीक है ये तो एक जगह से क्लियर हो गया। अभी यहाँ टोटल एट का तो उसका होम थ्री, अभी टोटल यहाँ थ्री का तो इसका होम एट, ये वही चीज़ है, उसको थोड़ा घुमा के दिया था कि हर आदमी की समझ में तो ये चीज़ें आती नहीं हैं। फिर ये दो टोटल का थ्री बना, थ्री का ही टोटल लगा, अभी दो टोटल का एट बना तो यहाँ पे टोटल एट का आना चाहिए, फिर जब ये तीनों को प्लस करेंगे तो क्या बने सिक्स बना, यहाँ पर भी तीन डिजिट को प्लस करेंगे सिक्स बना, यहाँ पे एक पेयर होम का होना चाहिए, इनके नाइन फोर थ्री में क्या नाइन फोर एक ही फैमिली का है, इसी तरह थ्री फाइव एट में अभी थ्री एट ए की फैमिली का डिजिट है, तो ये इस तरह दोस्तों उसने घुमा के दिया ताकि समझ में, हर आदमी की समझ में ये चीज़ें आती नहीं हैं तो उसका वो फ़ायदा लेता है। अभी देख लें दोस्तों इसमें कितना परफेक्ट, और फिर डिजिट का देखें, जैसे यहाँ से थ्री लिया यहाँ पे लाया, यहाँ पे भी सेम तरीके से वही ओपन की गेम, उसके बाद ये फोर बना तो ये दोनों, ये एक जगह तो दोस्तों एक चीज़ हो ना तो इत्तेफाक हो सकता है भाई हाँ भाई चांस है, वैसे भी सेकंड टच स्ट्रॉन्ग होती है अगर आज आने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि थर्ड में वो हर आदमी को पता चल जाता है तो सेकंड जो टच होती है वो घुमा देता है। तो अभी दोस्तों इस हिसाब से ये फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, थ्री वन फोर और थ्री सिक्स नाइन। अच्छा दोस्तों ये एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसमें नंबर वो कुछ भी बना सकता है, थ्री आना चाहिए गेम में, टोटल थ्री जो है वो अपने सीक्वेंस में पूरा है, टोटल भी अपने सीक्वेंस में पूरा है, बाकी ये जो होता है ये कभी कभी वो चेंज भी कर देता है लास्ट पेयर के डिजिट जो हैं, लेकिन मैंने जो जो नज़र आ रहा है जो जिस तरह उसने ऊपर गेम बनाई है उस हिसाब से मैं ये दे रहा हूँ, अभी तक तो ये नंबर ओपन नहीं हुआ, ये अभी मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट में बहुत बताएंगे, मुझे पता है दोस्तों, लेकिन ये कभी तो ओपन होगा ना, इस बार भी हो सकता है, तो इसलिए ये चीज़ नहीं सोचा करेंगे अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी होगा नहीं, बाकी आप अपने सिस्टम से भी दोस्तों गेम बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।